हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ द डे के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। बहुत ही बेहतरीन सवाल यहां पर करेंगे प्रोबेबिलिटी का, और किस कंसेप्ट के ऊपर बेस वो क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ध्यान से आपको पढ़ना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये केमिकल साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था जून 2023 के अंदर। ठीक है, तो पीवाईक्यू हमको करने हैं, जहां से भी मिले वहां से करने हैं। तो क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान सवाल है, तो ये बहुत ही स्टूडेंट्स ने ऐसा मिसकंसेप्शन बनाया है कि जो हमारे पीवाईक्यू है बहुत ही कठिन आते हैं, बहुत ही हार्ड आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो सकता है, बहुत आसान सवाल भी पूछ सकता है, मॉडरेट लेवल भी पूछ सकता है, और बहुत ज्यादा टफ भी पूछ सकता है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। चलिए ओटीपी की अगर बात करें तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है एन ओटीपी इज मेड ऑफ 4 डिजिट ईच फ्रॉम 0 to 9। जैसे कि आप जानते हो कि अगर कहीं आप लॉग इन करते हो तो आपके मोबाइल फोन पे एक ओटीपी आता है, तो दैट ओटीपी इज कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर। मान लो एक ओटीपी है जिसमें 4 डिजिट के नंबर है। ठीक है, तो 4 डिजिट है उस ओटीपी के अंदर। अभी कह रहा है ईच फ्रॉम 0 to 9। अब वो ओटीपी 0 और 9 से के बीच में कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है, एनी नंबर। तो मुझे ये बताओ 0 से लेकर 9 तक कितने ऑप्शन है मेरे पास? 10 ऑप्शन है। हो सकता है 0 आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक कोई भी 10 नंबर यहां पर आ सकते हैं। इफ डिजिट्स एट 2 पोजीशंस आर नोन, अगर 2 प्लेसेस की जो पोजीशंस हैं, 2 प्लेसेस की जो यानी कि 2 जो पोजीशंस हैं हमको वो नोन है। मान लो कि 2 पोजीशंस कौन कौन सी हैं, ये 2 पोजीशंस मुझे पहले से ही पता है यहां पर कौन सा नंबर आने वाला है। सो वी नो दैट, यानी कि उसके लिए केवल मेरे पास कितने ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मुझे पता है पहले प्लेस पे 2 आता है उस ओटीपी में। अगर पता है वो 2 आएगा तो यानी कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, 2 वहां पर लिखना पड़ेगा। यानी कि पहले वाले बॉक्स के लिए केवल फिल करने के लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, जो पता है वो लिख देंगे, और सेकंड वाले बॉक्स के लिए हमारे पास केवल एक ही अवेलेबल ऑप्शन रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के प्लेसेस हमको पहले से नोन है। तो अननोन वाले कौन से हैं, जिसको हमें नहीं पता है, ये अननोन है। अब इसमें 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर पॉसिबल है, वी डोंट नो कि ये नंबर क्या होगा। तो हियर वी हैव 10 पॉसिबल ऑप्शंस, अगेन वी हैव 10 पॉसिबल ऑप्शंस। इन दोनों प्लेसेस के लिए हमारे पास 10 10 पॉसिबल ऑप्शन यहां पर रहने वाले हैं। तो बताइए, मुझको बताइए हाउ मेनी टोटल पॉसिबिलिटीज विल बी देयर। टोटल पॉसिबिलिटी विल बी टोटल पॉसिबिलिटी विल बी व्हाट 10 into 10। टोटल पॉसिबिलिटी विल बी 10 into 10 यानी कि 100। 100 पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है उस ओटीपी की। ठीक है, अगर मैं 100 अलग अलग ओटीपी बनाऊंगा, डिफरेंट ओटीपी बनाऊंगा इस कंडीशन को लेके, तो उसमें से ही कोई एक नंबर वो हो सकता है। देयर आर मैक्सिमम 100 पॉसिबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फुल ओटीपी विद इन 20 ट्रायल। मैं केवल 20 ही ट्रायल दे रहा हूँ किसी को कि भाई आओ 20 बार चांस दे रहा हूँ उस ओटीपी को बना सकते हो तो बनाओ। तो बताओ कि वो एक पर्सन 20 ट्रायल के अंदर उस ओटीपी को बना देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कि वो 20 ट्रायल में उस ओटीपी को बना दे, दैट विल बी 20/100। भाई उसको 20 में ट्रायल दे रहा हूं, और मैक्सिमम कितने ट्रायल से वो बन सकता है, 100 ट्रायल तक वो कोई पर्सन जा सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम विल बी 100 एंड ट्रायल्स आर 20, यानी कि दिस विल बी 1/5, यानी कि दिस विल बी 0.2। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ रखा है, वहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है उससे हम यहां पर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो है आपके लिए क्वेश्चन कार्ड से, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं आपको पता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन को यहां पर करके मुझे बताना है। और मैं आपका सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में चेक भी करता हूं कि भाई देखते हैं कौन इसका आंसर कर रहा है
और विद एक्सप्लेनेशन करोगे तो दैट विल बी वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। तो होमवर्क का सवाल है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सभी से कि आप इसका आंसर करो, ठीक है। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली एग्जाम तक आपकी होनी चाहिए, पार्ट ए को छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए और अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, फ्री मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए या अपना PYQ PDF डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है IFS की ऐप के ऊपर। यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 10 फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट ए में एक बहुत अच्छा स्कोर करूं तो आपको टेस्ट यहाँ पर सीरीज ले लेनी चाहिए, जिसमें आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाते हैं। सेक्शनल टेस्ट भी है कि भाई एक पर्टिकुलर टेस्ट को मैं करना चाहता हूँ स्पीड टाइम डिस्टेंस के सेपरेट में क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उसके भी आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं टॉपिक वाइज। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, IFS की ऐप पे जाना है और वहां पे जाके रजिस्टर करना है। भाई रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, जस्ट यू हैव टू विजिट IFS वेबसाइट और IFS ऐप। प्ले स्टोर से आप IFS टाइप करोगे तो वहां पे IFS ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद ही आपको पूछा जाएगा आपका नाम, तो सही सही नाम भर देना है। नाम देखो सही इसलिए भरना है क्योंकि आपको जब स्कॉलरशिप टेस्ट टाइम टू टाइम यहाँ पर होता रहता है IFS के ऊपर, तो जहाँ पे आपको IFS में जब स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आपका नाम आ जाए तो वहां पर आपको उसको अवेल करने में, स्कॉलरशिप प्राइस को अवेल करने में दिक्कत ना हो, इसलिए आपको यहाँ पर नाम सही सही भरना है। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको CSIR एप्टीट्यूड, क्योंकि आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको फिल करना है, वहां पर ऑप्शन में आएगा CSIR एप्टीट्यूड, ठीक है। CSIR एप्टीट्यूड जैसे ही क्लिक करोगे अपना नंबर, फोन नंबर वहां पर डालना है और सेंड OTP करके वहां पर ज्वाइन हो जाना है। सेंड OTP जैसे ही करोगे तो भाई सेंड OTP करोगे तो यहां पर भरना पड़ेगा OTP, उसी नंबर पे आएगा जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है, ठीक है। तो सही नंबर डालना है, वेरीफाई OTP करने के बाद आप लॉगिन वहां पर कर लोगे। लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर इस तरह के ऑप्शन आएंगे, डैशबोर्ड, माई कोर्स, ऑल कोर्स, इस तरह से। अगर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट करना है तो लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाना है। लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाने से पहले एक चीज और आप कर लेना, CSIR नेट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, कौन कौन से, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस एंड एप्टीट्यूड। तो आपको एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक किया फिर आपको लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद ऑल अबाउट CSIR नेट, ऑल अबाउट CSIR नेट एग्जाम पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स। लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट करने हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट पे जाना है और यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हैं और सेक्शन वाइज टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इन सभी का प्रिपरेशन के लिए यहाँ हेल्प जरूर लेनी चाहिए IFS ऐप के ऊपर। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। साथ ही साथ अपना जो एप्टीट्यूड का सेपरेट जो लाइव कोर्स है वो भी यहाँ पे चल रहा था, जो कि 16 अक्टूबर से हमने सितंबर से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अब अपकमिंग जो अपना लाइव सेशन है वो जल्द ही आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर स्टे ट्यून रहे, यानी कि आप देखते रहें कि चैनल पे क्या चल रहा है और कौन कौन से हम कंसेप्ट बता रहे हैं और नेक्स्ट बैच कब आने वाला है, ठीक है। जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उसको भी, एक मंथ के अंदर सारा का सारा जनरल एप्टीट्यूड हम लोग कर रहे हैं कवर, ठीक है। तो चलिए इतना कर लेना, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करना। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग। बाकी अपना IFS का बुक है जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड और गेट एप्टीट्यूड दोनों का बुक है, तो आप यहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही शानदार किताबें हैं, इसके अंदर आपको सारा का सारा पार्ट ए टॉपिक वाइज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार है, तो यहां से प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।